पावर स्टार पवन सिंह क्यों नहीं काम करते हैं शिल्पी राज के साथ, क्यों नहीं उनके साथ कोई गाना गाते हैं और क्यों अपने एल्बम से लेके फिल्मों तक में किसी में भी उनके साथ वो गाना बिल्कुल नहीं गाते। जी हाँ, आपको बता दें, शिल्पी राज आजकल भोजपुरी इंडस्ट्री की सेंसेशन बन चुकी है। शिल्पी के गाने मिलियंस में जाते हैं और शिल्पी पवन और खेसारी के बाद भोजपुरी में सबसे ज़्यादा सुनी जा रही हैं। और तो और, कभी कभी वो YouTube की रेटिंग में खेसारी और पवन से भी ऊपर सुनी जाती हैं, खेसारी और पवन से भी ऊपर के रैंक में सुनी जाती हैं। यानी कि वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंडिया के बाहर भी उनकी लोकप्रियता बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। लेकिन क्या वजह है कि खेसारी तो शिल्पी राज के साथ लगातार बैक टू बैक गाने गा ही रहे हैं। अंतरा सिंह प्रियंका को खेसारी के साथ रिप्लेस कर दिया है शिल्पी राज ने, लेकिन भोजपुरी में सुरों के बादशाह की आती है तब क्यों पवन सिंह शिल्पी राज के साथ एक भी आज तक कोई भी गाना गाते नजर नहीं आए। इसके पीछे रीज़न एक मामूली सा दिया गया, मामूली सा रीज़न ये बताया जा रहा है कि पवन सिंह के पास उस कदर के अभी गाने नहीं हैं या उस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें शिल्पी राज की आवाज़ फिट बैठे। वैसे आप ही जरा सोचिए, अनुपमा वर्मा, पुनीता प्रिया जैसी कई भोजपुरी के सिंगरों के साथ जिन्हें अभी कोई ज़्यादा जानता तक नहीं है, उनके साथ पवन सिंह काम कर लेते हैं, लेकिन भोजपुरी की एक बहुत ही बड़ी सिंगर शिल्पी राज के साथ पवन सिंह सिर्फ इसलिए काम नहीं करते हैं कि उनके पास अभी शिल्पी राज के टाइप का गाना नहीं है। ऐसे आपको बता दें कि पवन के जानने वाले ये बताते हैं कि पवन को शिल्पी की आवाज़ और अपनी आवाज़ जब वो टैली करते हैं तो उन्हें अजीब सा लगता है। यानी कि ना उन्हें शिल्पी की आवाज़ और अपनी आवाज़ में कोई तुकबंदी तक नज़र नहीं आती। इस वजह से भी एक ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि वो शिल्पी राज के साथ काम नहीं करना चाहते। लेकिन इससे भी बढ़कर पवन को जानने वाले ये कहते हैं कि शिल्पी की आवाज़ में पवन को वो चार्म नज़र नहीं आता, वो सॉफ्टनेस नहीं नज़र आती जो कि भोजपुरी की और सिंगर्स प्रियंका सिंह, अनुपमा और पुनीता प्रिया में नज़र आती है। क्या आपको भी ये लगता है और क्या आप बेकरार हैं पवन सिंह और शिल्पी राज को एक साथ गाना गाते हुए देखने के लिए, सुनने के लिए? तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।